सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम हैदराबाद। आज मंडे है, आज 19 सितंबर है और मैंने आज के दिन के लिए एक चीज़ प्लान कर रखी थी। सो आंध्र प्रदेश में दूसरा ज्योतिर्लिंग है श्री मल्लिकार्जुन टेम्पल, तो मैं और नेहा वहाँ जाने का आज प्लान कर रहे हैं। मैंने ज़ूम कार बुक कर दी है और ज़ूम कार में लोकेशन पे आ भी चुकी है एंड लेट्स गो। सबसे पहले कार पिक करते हैं एंड देन देखते हैं कि यहाँ से कितना ड्राइव होगा, क्या होगा, कैसे होगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू श्री मल्लिकार्जुन टेम्पल एंड मैं अभी जस्ट उठ के रेडी हो गया हूँ, नहा धो लिया है मैंने। नेहा अभी अपने रूम से आ रही है, वो भी मुझे भी रास्ते में मिलेगी एंड देन हम जाएंगे अपनी ज़ूम कार पिक करने के लिए एंड देन देखते हैं आगे क्या बनता है सीन। सो लेट्स गो। सो नेहा आ गई थी, नेहा को मैंने पिक कर लिया था और हम पहुंच गए थे अपनी लोकेशन पे। तो ये अपनी गाड़ी है, तो इसी को लेके जाना है। तो लेट्स अनलॉक दिस कार। सो गाड़ी अनलॉक हो गई है, गाड़ी की चाबी यहाँ पे। गाड़ी काफ़ी सही हालत में और अब बैठते हैं, निकलते हैं यहाँ से। सो गाड़ी अपने को मिल गई और हमने बोर्ड कर ली अपनी गाड़ी और हम चल रहे हैं श्रीशैलम के लिए। तो हैदराबाद से श्रीशैलम पड़ता है 220 किलोमीटर। ये आप बाई एयर, बाई बस और बाई ट्रेन से जा सकते हो। ट्रेन से आपको मक्कूपुर रेलवे स्टेशन तक ही जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ से फिर आपको बस लेनी पड़ेगी, वो रास्ता वहीं तक जाता है। बाई कैब से आप अपनी पर्सनल व्हीकल से आप जा ही सकते हो। और अगर आप बाई एयर आ रहे हो तो आपको सिर्फ हैदराबाद तक ही लाइक आप जा सकते हो। हैदराबाद आने के बाद आपको अपना खुद का कन्वीनियंस देखना पड़ेगा। तो यस, 220 किलोमीटर आप देख लो आप कैसे आपको ट्रैवल करना है। तो रुके हैं थोड़ा चाय नाश्ता के लिए। चाय नाश्ता में इडली वड़ा यही मिलता है यहाँ पे, चाय वगैरह जो भी है। और हम जहाँ पे अभी रुके हुए हैं यहाँ से श्रीशैलम 165 या 155 ऐसा कुछ दिखाया था अभी रोड पे। और ये गाड़ी बुक करी थी वाया ज़ूम कार, तो बढ़िया चल रही है। और आप होपफुली 10 बजे तक टाइम दिखा था गूगल मैप्स में, तो 10 बजे तक अपन पहुंच जाएंगे। बहुत शानदार जगह, खुली रोड है, कोई ट्रैफिक नहीं है फ़िलहाल अभी तक। और फ़िलहाल तो बहुत मज़े आ रहे हैं ड्राइविंग में भी। तो अब खाते हैं इडली वगैरह, फिर चलते हैं कंटिन्यू करते आगे की जर्नी। तो सीन कुछ इस प्रकार है कि गाड़ी हो गई है ख़राब, गाड़ी का क्लच में कुछ इशू आ गई और अभी वो इशू को ठीक कर रहे हैं भैया पीछे यहाँ पे, तो ठीक हो रही है गाड़ी। और ये ठीक कर रहे हैं और उसके बाद आई थिंक वो बोले 2 घंटे लग जाएंगे, तो 2 घंटे बाद निकलते हैं फिर यहाँ से दोबारा। अब क्या करें, अनफॉर्चुनेटली हो गया ब्रेकडाउन हो गया। मैंने ज़ूम कार वालों को भी अपडेट दे दिया है इसके बारे में कि गाड़ी में प्रॉब्लम आ गया है, बेसिकली क्लच में इशू आ गया, क्लच एकदम फेल हो गया उसका। तो ये मैं ऑलरेडी उनको बता चुका हूँ और मेरी उनके मैनेजर से भी बात हो गई है। तो अभी तो मैं रिपेयर कर रहे हैं, उसके बाद देखते हैं कितना रिफ़ंड होगा, कैसे रिफ़ंड होगा, उसकी प्रोसेस वो हैदराबाद जाके पता चलेगी। बताऊँ गाड़ी खराब नहीं, ये खराब हुआ था और ये भैया नया डाल रहे हैं। तो अभी गाड़ी हो गई है ठीक, 5000 का आसपास खर्चा आ गया। अभी निकलते हैं फटाफट श्रीशैलम के लिए और क्योंकि घर भी निकलना है, लेट ऑलरेडी हो चुकी है, तो निकल रहे हैं फटाफट से। मल्लिकार्जुन टेम्पल इधर ही आगे स्ट्रेट, मल्लिकार्जुन स्ट्रेट। मेन टेम्पल इधर है, इस साइड इधर नहीं तो देखो ये है ना, यहाँ पे बना हुआ है इधर। तो पहुँच गए मल्लिकार्जुन टेम्पल पे, गाड़ी वहाँ पे पीछे पार्क कर दी और अभी जा रहे हैं टेम्पल की तरफ, जो कि रास्ता यहाँ से होगा। लेट्स गो। ये अति शीघ्र दर्शन है, शीघ्र दर्शन नहीं, अति शीघ्र। सो यहाँ पे 3 टाइप की लाइन से, बेसिकली 3 भी नहीं 4 टाइप की लाइन से। पहली है जो बिल्कुल फ्री है, दूसरी है शीघ्र जाने वालों की, उसके बाद होती है अति शीघ्र, एंड फिर जो फाइनल आता है वो कुछ जिसे बोलते हैं कि आप बिल्कुल डायरेक्ट दर्शन करोगे। तो शीघ्र के हैं 150 रुपीज़, अति शीघ्र के हैं 300 रुपीज़, आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। और जो 500 वाला है इसमें आप रोज़ रात को 9 बजे जो है आप भगवान को टच करके आते हो, यही उन्होंने अभी बताया। आप फ्री दर्शन भी कर सकते हो लेकिन उसमें आपको टाइम लगेगा, तो यू नो टू कट द हैसल आप जा सकते हो, टिकट ले सकते हो 150, 300 जो भी आपकी जेब, जो आपकी जेब आपको सपोर्ट करें, अफोर्ड जितना भी आप कर सकते हो। सो हमने अति शीघ्र की टिकट ले ली है और अभी हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर। सो मल्लिकार्जुन टेम्पल में आपको फ़ोन अंदर ले आना अलाउड नहीं है, आप कोई भी कैमरा, कोई भी फ़ोन वगैरह नहीं ले आ सकते, ना अंदर कोई फ़ोटोग्राफी कर सकते हो, ना कोई वीडियोग्राफी पॉसिबल है। बट हमारे केस में ये था कि मुझे नहीं पता हमारी चेकिंग कैसे हुई, बट हम फ़ोन अंदर ले गए थे, बट इतनी भीड़ थी अंदर कि मैं कोई ना तो फ़ोटो ले पाया, ना कोई वीडियो बना पाया। सो आज का दिन हमारा यहीं पर ख़त्म हो गया। मैं मल्लिकार्जुन बहुत ज़्यादा होप्स के साथ गया था, बट यू नो वहाँ पे एक तो पैसों की लाइन लगी हुई थी, जो कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि कैसे आप शीघ्र दर्शन करा रहे हो पैसे लेके। खैर इसके ऊपर मैं ज़्यादा बोल भी नहीं सकता, मुझे नहीं पता वहाँ क्या चलता है। दूसरा हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी, उससे थोड़ा मूड बीच में ख़राब हो गया था, और प्लस लाइक वो वहाँ काफ़ी ज़्यादा रश था, तो उस रश में दर्शन करने का वो मुझे मज़ा नहीं आया। बट मैंने माथा टेक लिया था और हाथ जोड़ लिए थे। तो एक बार मैं दोबारा से मल्लिकार्जुन आना चाहूँगा जब बिल्कुल ही मेरे पास टाइम हो और जब यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं होती। अब मैं चाहता हूँ कि आप भी ऐसे आएँ और आप भी ये सब चीज़ें ध्यान में रख आइए कि ये सब वहाँ पर आपको मिलेगी। और हाँ, रात के समय थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, तो आप अपने थोड़ी बहुत क्लोज वगैरह ला सकते हो यहाँ पे। और आई एम डेफिनेटली कि मैं यहाँ दोबारा आना चाहूँगा, लेकिन आज का दिन यहीं पे ख़त्म होता है। मैं चलता हूँ अब दोबारा हैदराबाद के लिए, और ज़ूम कार ये कार भी वापस करनी है। और फिर आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्कार।